कि दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अच्छा, यहाँ पे देखें लिखा हुआ एडवर्ड सैड इन फुल एडवर्ड वेडी सैड समटाइम्स एडवर्ड विलियम सैड। इसका जो पूरा नाम था एडवर्ड सैड का, एडवर्ड सैड के बारे में बैठा आपको बताती चलूँ कि ये यरूशलम में पैदा हुआ था, ठीक है, यरूशलम में यानी कि फलस्तीन में पैदा हुआ था। ये फलस्तीनियन अमेरिकन था, ठीक है, जिसने ये सारा कुछ देखा था। इसका जो बाप था एक वेल्दी बिजनेसमैन था, लेकिन उसने जो है वो आर्मी में, यूएस आर्मी में था, जिसकी वजह से ये फलस्तीन से, जब उसने वर्ल्ड वॉर वन भी लड़ी थी इसके बाप ने, इसके फादर ने, तो हुआ ये कि इसने जो अपना बचपन गुजारा वो फलस्तीन में गुजारा, इजिप्शियन स्कूल में पढ़ा, और इसका नाम था एडवर्ड सैड। एडवर्ड एक अमेरिकन नाम है और सैड जो है वो एक अरब नेम है, एडवर्ड सैड, ठीक है, जिसे हम सैद भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये एडवर्ड सैड नेम था, जो कि एक अरेबिक और अमेरिकन जो है वो कॉम्बिनेशन इसका था नेम का। अब क्या था कि ये फलस्तीन में रहा, बचपन इसका वहां पे गुजरा। बच्चे का जहाँ पे बचपन गुजरा होता है ना, वो बड़े गौर से ईच एंड एवरीथिंग देख रहा होता है, इसके अंदर क्या हो रहा है, वो बड़े उससे। अब ये यरूशलम में तो पैदा हो गया, और फिर एक वेल्दी प्रोटेस्टेंट बिजनेसमैन का बेटा भी था, अमेरिकन सिटीजन, जो कि एक अमेरिकन सिटीजन था इसका बाप, और जो कि सर्व किया था उसने वर्ल्ड वॉर वन में। अब ये अपने बारे में हमेशा कहता था, ही रेफर टू हिमसेल्फ एज अ क्रिश्चियन रैप्ड इन अ मुस्लिम कल्चर। वो हमेशा ये कहता था, क्योंकि उसने फलस्तीन में टाइम गुजारा, उसने ना ये सारी वो जो वहाँ पे अरब और यहूद और अरब की जो आपस में जंग है, उसने वो सारी देखी हुई थी, और वो एक डीप ऑब्जर्वर था। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये वो बंदा था, किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं हुई 9/11 पे लिखने की, एडवर्ड सैड ने लिखा था कल्चर एंड लिबरलिज्म, जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, कि किस तरह से, हालांकि है ये अमेरिकन, ठीक है, पैलेस्टीनियन अमेरिकन है ये, लेकिन इसने वो किताब लिख डाली जिसने यूएस को एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया में, और इसको फिर एक नोबल प्राइज मिला था इसी किताब लिखने पे, ये जो इसने कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म पे लिखी थी। इसमें उसने बताया कि यूएस, यहूद, अमेरिकन, इसराइलीस, ठीक है, इन्होंने पूरी दुनिया के साथ किया गया, ठीक है, इन्होंने मुसलमानों के साथ और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ क्या तबाही कर दी। तो अब आप देखें कि डिफेंडर कौन है, उन्हीं की कौम का एक बंदा, ठीक है, और एक हम लोग हैं। हम बड़े मजे से, अगर अमेरिका में कहते हैं ना यू आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम कहते हैं हाँ जी जी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, और हम बड़े मजे से मान लेते हैं कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, सारा टैलेंट या तो यहूदियों में है या ईसाइयों में है, मेरे अंदर नहीं है या मेरी कौम के अंदर नहीं। आपको पता अल्लामा इकबाल ने इस कौम के बारे में क्या कहा था, इस कौम का बड़ा रोब है पूरी दुनिया में, लोग डरते हैं मुसलमान, एक हवा है, वो क्या कर दूं, वो है ना वजूद आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, वजूद आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कि ये टूटा हुआ तारा माहे कामिल न बन जाए। वो यहाँ पे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वजूद आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, ये जो आसमानी मखलूक है, अंजुम सितारों को कहते हैं, आदमे खाकी हम इंसान को, कि ये जो सितारे हैं ना जो चमक रहे हैं, ये इस वजूद आदमे खाकी से सहमे जाते हैं, यानी कि इस आदमे खाकी का इतना रोब है, और स्पेशली मुसलमान का, एक ईमान वाले इंसान, कि ये टूटा हुआ तारा माहे कामिल ना बन जाए, ये जितने भी वजूद ये है ना टिमटिमाते हुए तारे, ये सारे डरते हैं, उनको यही तो डर है कि ये कौम जो है ना इसको पलटने में देर नहीं लगती, इसको झपटने में देर नहीं लगती, इसको आगे जाने में देर नहीं लगती। ये तो 313 मुसलमान थे जो कि जंगे बदर फतह कर गए थे, तो ये वो कौम, ठीक है, जिसको आज अगर ये बता दिया गया है कि यू आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड दे सेड ओ यस वी आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। आपको पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री किसे कहते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्री ऐसे कंट्री को कहते हैं जो कि भूखे नंगे लोग होते हैं,
मुझे बताएं आपके और मेरे घर में, इवन मेरी मेड के घर में भी फ्रिज और टीवी और हर चीज, ये भूखे नंगे होते हैं। तो ये तो हालात है भाई हमारे, ठीक है। तो ये एडवर्ड्स ऐड था जिसने आपको और मुझे बताया कि देखो भाई आंखें खोलो और देखो दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर अंग्रेज है तो वो वाइट है एंड वी आर द ब्लैक, हम भी सफेद हैं भाई, ठीक है। तो ये एडवर्ड सैड जो था इन फुल एडवर्ड वडी सैड समटाइम्स एडवर्ड विलियम सैड बोर्न नवंबर 1935 यरुशलम डाइड सितंबर 25 2003 न्यूयॉर्क यूएस पैलेस्टीनियन अमेरिकन एकेडमिक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक्स। 2003 में इसकी डेथ हुई थी और अब आप देख लें, ठीक है। और जाने से पहले पहले किताब लिख गया कल्चर एंड एम्पिरिज्म, ठीक है। एंड लिटरेरी क्रिटिक्स हु एग्जामिन्ड लिटरेचर इन द लाइट ऑफ सोशल एंड कल्चरल पॉलिटिक्स। इसने सोशल और कल्चरल पॉलिटिक्स पे लिखा। बेटा एक चीज याद रखिएगा, स्टूडेंट्स आते हैं इंग्लिश लिटरेचर की तरफ कि शायद सारी स्टोरी होगी, स्टोरी नहीं होती है, दैट इज एन एसे। ऐसे देखिए बेटा इंटरेस्ट खुद लेना पड़ता है, इंटरेस्ट होता नहीं है। लोग प्रोज में, हालांकि प्रोज इज द मोस्ट इजी सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स की प्रोज में इसलिए सप्ली आती है उनको एसेज बोरिंग लगते हैं, लेकिन अगर आप उसकी डीप थिंकिंग में जाएं, मुझे एडवर्ड सैड की ये बुक इंतहा की पसंद है, कल्चर एंड एम्पिरियलिज्म, क्योंकि इस किताब ने मेरी आंखें खोली थी। और मैंने खाली किताब इसलिए नहीं पढ़ी थी कि जी मैंने जाके एग्जाम्स देने, मुझे वो सारी चीजें समझ आ गई थी जो कि मेरे जहन में कुछ कन्फ्यूजन थी कि यार क्या दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हम मुसलमान क्यों बर्बाद हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हु इज डोमिनेटिंग, हु इज डोमिनेटेड, हु इज इम्पीरियलिस्टिक, हु इज इम्पीरियलिज्म, व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये 9/11 क्यों हो रहा है, तालिबान क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस वक्त इस किताब ने मेरी आंख खोली थी एंड वॉज एन आउटस्पोकन प्रोपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल राइट ऑफ पैलेस्टीनियन। अच्छा फिर क्या हुआ, उसने कल्चर पॉलिटिक्स, और वो एक आउटस्पोकन था प्रोपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल का, था अमेरिकन और वो आउटस्पोकन प्रोपोनेंट था, एक माउथपीस था, आप समझ लें उसने एक आवाज उठाई थी पॉलिटिकल राइट्स ऑफ फलस्तीनी लोगों के लिए एंड क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट, और उसने क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए आवाज उठाई थी। Said's father, Wedi, William Ibrahim, was a wealthy businessman who lived sometime in the United States and apparently at some point took US citizenship. Jo apparently United States mein raha aur baad mein usko US citizenship bhi mil gayi. In 1947, Wedi moved family from Jerusalem to Cairo in order to avoid the conflict that was beginning over United Nations partition of Palestine into separate Jewish and Arab areas, see Arab Israeli wars. अब क्या हुआ, ये वहां पे रहते थे लेकिन ये लोग क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अरब और इसराइली जो वॉर स्टार्ट हो गई थी 1947 में, तो ये मूव कर गए थे यरूशलम से कैरो में। किस वजह से, ये जो कंफ्लिक्ट हुआ ओवर यूनाइटेड नेशन पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन इनटू सेपरेट ज्यूश, कि उन्होंने वो जो यहूद ने जो कहा था कि नहीं भाई ये हमारा इसराइल है, फलस्तीन को उन्होंने वो एरिया जो कि इन्होंने काबिज कर लिया था इसराइलियों ने, तो एक्चुअली इन्होंने फलस्तीनियों के ऊपर, अरब्स, फलस्तीनी अरब्स जो थे उनके ऊपर इन्होंने जो है अटैक कर दिया था। अभी भी देख लें यही कुछ ही हो रहा है, ब्लड शेड्स कितने ज्यादा हो रहे हैं, सिर्फ किस वजह, किसके लिए, सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए, वो फलस्तीन के पीछे जो है इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं और अरब एरियाज। और उसने फिर ये सारी चीजें, इन कैरो सैड वाज एजुकेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल बिफोर ट्रांसफरिंग टू एक्सक्लूसिव नॉर्थविन माउंट हर्मन स्कूल इन मैसाचुसेट्स इन यूनाइटेड स्टेट इन 1951। ही अटेंडेड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी बीए 1957 एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एमए 1960, पीएचडी 1964, वेयर ही स्पेशलाइज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। He joined the faculty of Columbia University as a lecturer in English in 1963 and in 1967 was promoted to assistant professor of English and comparative literature. His first book, Joseph Conrad and Fiction of Autobiography,
was an expansion of his doctoral thesis. Uski jo pehli book thi Joseph Conrad or and fiction of autobiography. Ye Joseph Conrad aane wala hai. Isne bhi isi culture and imperialism ke upar ek pura novel likha tha. That was especially iske novels hote hi culture and imperialism pe the. Isne zyada tar African jo culture hai uske upar likha tha. एडवर्ड ने तो मुसलमान और अरब्स के ऊपर लिखा था ना, और इसने फिर अपनी किताब के अंदर वो 9/11 वाला वाक्या भी लिखा था. Was an expansion of his doctoral thesis. The book examines Conrad's short story and letters for the underlying tension of the author's narrative style. It is concerned with the cultural dynamics of beginning of a work of literature or scholarship. Said was promoted to full professor in 1965, received his first of several endowed chairs in 1977 and in 1978 published Orientalism. What is Orientalism in Edward Said? ठीक है, ये इसकी बहुत जबरदस्त किस्म की किताब थी जिसमें इसने ये बताया था कि ये जो whites हैं, जो Americans हैं, उनके ख्याल में बाकी दुनिया का image क्या है. ठीक है, his best known work and one of the most influential scholarly book of 20th century. In it, Said examined Western scholarship of the Orient, specifically the Arab Islamic world. उसके अंदर सैड ने examine किया था Western scholarship. Western scholarship यानी कि ये जो मगरबी ममालिक हैं, अब scholarship वो क्या कह रहा है, उनका जो नुक्ता नजर है about the Arab Islamic world. वो हमें क्या कहते हैं, these are the क्या उन्होंने एक वर्ड एक मुसलमानों के साथ के जी एक्सट्रीमिस्ट है, किसने इजाद किया, दैट इज द वेस्टर्न ओरिएंटलिज्म. ठीक है, मुसलमान जो है दीज आर बैकवर्ड, दीज आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. कौन कहता है ये, आपने और मैंने तो प्रोड्यूस नहीं किया ये वर्ड, हु हैज प्रोड्यूस्ड दैट वर्ड, दीज वेस्टर्न, दैट इज द वेस्टर्न मैरिट टू जज अस. जरा सोचे ना कि वो हमें किस नाम से जज करते हैं. तो हमारा फिर क्या रोल होना चाहिए, हम मान लें, एक्सेप्ट कर लें, ये जो आपने लेबल हमें दे दिया दैट इज ओके. मैं क्यों काम कर रही हूँ इंटरनेट के ऊपर, जस्ट टू शो दैट वी आर नॉट, व्हाई यू आर सेइंग, व्हाई आर यू ब्लेमिंग अस दैट वी आर एक्सट्रीमिस्ट. तो आपको किसने कह दिया भाई हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, आपको किसने कहा हम जो है बैकवर्ड है. वी आर द नॉलेजेबल पीपल, वी हैव नेवर एवर लेफ्ट आवर कल्चर एज वेल एज वी हैव आल्सो रीड योर ओन लैंग्वेज. कैन यू रीड आवर्स, क्या आप हमारी उर्दू सीखेंगे, हमारी अरबी सीख सकते हैं, देखिए हमने आपकी इंग्लिश भी सीख ली है, बताएं हम. फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम कंजर्वेटिव हैं, कंजर्वेटिव तो अगर हम होते तो हम इंग्लिश सीखते. हमारे तो अपने नबी ने कहा है कि तुम लैंग्वेजेस सीखो, दूसरी कॉमन की लैंग्वेजेस सीखो ताकि कम्युनिकेशन गैप खत्म हो, क्योंकि उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती. ये जो कॉनराड था ना, उसने यही तो बताया था, क्योंकि अमेरिकन्स को अफ्रीकन्स की लैंग्वेज नहीं आती, इस वजह से उन्होंने उनको ब्रूट्स कह दिया, ब्रूट्स यानी कि जालिम, उन्होंने उनको ब्लैक्स कह दिया, उन्होंने उनको नाइजर्स कह दिया, उन्होंने उनको पता नहीं क्या क्या कह दिया. तो बेसिकली जब आपको लैंग्वेज ही नहीं आती, अब लाइक मेरी, हमारे घर में अक्सर सर्वेंट्स होते हैं, एक दफा सिंधी मेरी वो सर्वेंट आ गई थी, उसको ना मेरी समझ आती थी ना मुझे उसकी समझ आती थी. अल्टीमेटली देखिए मेरा तो चले सोच का लेवल ही थोड़ा दूसरा है ना, लेकिन नॉर्मली लोग क्या कहेंगे, बेवकूफ है, समझ ही कोई नहीं आती, अकल की कहानी है, यही बातें करते हैं हम, करते हैं ना. हमें ये नहीं पता यार उसमें और मुझ में मेन जो कम्युनिकेशन गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि हम दोनों को लैंग्वेज नहीं आती. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो कि एक्सपोज की थी एडवर्ड सैड ने, और उसके बाद कनराड ने, उसके बाद आप ये पार्ट टू में जाके पढ़ेंगे, ये सारा कल्चर और इंपीरियलिज्म पे सारी बुक्स आप पढ़ेंगे और आपको बहुत इंटरेस्ट फील होगा. तो ये बुक जो एग्जामाइन की थी उसने शॉर्ट स्टोरीज एंड लेटर फॉर अंडरलाइन टेंशन ऑफ ऑथर्स नैरेटिव स्टाइल. उसने ऑथर का नैरेटिव स्टाइल जो है वो जो अंडरलाइन टेंशन थी ना, उस कंसर्न को उसने बताया था. इट इज कंसर्न विद द कल्चरल डायनामिक्स ऑफ बिगनिंग अ वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर और स्कॉलरशिप. उसने इस कल्चरल डायनामिक्स ऑफ बिगनिंग ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर और स्कॉलरशिप और ये जो मेरिट्स उन्होंने डिफाइन कर दिए अबाउट द थर्ड वर्ल्ड कंट्री,
उसने ये बताया कि देखिए हर कौम का एक कल्चर होता है। अगर मेरे जहन से देखिए, हमें देखे ना, अगर हम अच्छे घरों में पैदा हो जाते हैं, हम गरीब लोगों को क्या कहते हैं? बैकवर्ड है। हालांकि उनका अपना एक कल्चर है, ठीक है, वो लाइक हम लोग जरा लाइट मेकअप करेंगे, वो जरा गालों पे लाली लगा लेंगे, उनके हिसाब से वो उनका कल्चर है। लेकिन हमें क्या लगता है? वो बेवकूफ है, पेंडू है, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं हम। तो सेम इज द केस विद देम। ठीक है, आप इस लेवल पे जाके देखें कि व्हाई वी, मतलब हम क्यों लेबल कर देते हैं लोगों को। सैड वाज प्रमोटेड टू फुल प्रोफेसर इन 1969, रिसीव्ड हिज फर्स्ट ऑफ सेवरल एंडोर्ड चेयर्स इन 1977 एंड इन 1978 पब्लिश्ड ओरिएंटलिज्म, हिज बेस्ट नोन वर्क एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कॉलरली बुक ऑफ 20th सेंचुरी। In its said examined Western scholarship of Oriental, specifically of Arab Islamic world, though he was an Arab Christian, and argued that early scholarship by Westerners in that region was biased and projected a false and stereotyped vision of otherness on Islamic world that facilitated and supported Western colonial policy. अब देखें यहाँ पे basically अभी culture and imperialism में भी यही उसने बताना है। सैड ने पता क्या एग्जामाइन किया था कि उसने इस वेस्टर्न स्कॉलरशिप को एग्जामाइन किया ऑफ द ओरिएंट स्कॉलरशिप, इस ओरिएंट स्कॉलरशिप को, ठीक है, और स्पेसिफिकली ऑफ अरब इस्लामिक वर्ल्ड, ये जो अरब इस्लामिक वर्ल्ड है उसके बारे में, दो ही वाज एन अरब क्रिश्चियन एंड आर्ग्यूड दैट अर्ली स्कॉलरशिप बाय वेस्टर्नर्स इन दैट रीजन वाज बायस्ड। उसने कहा कि ये जो स्कॉलरशिप बाय वेस्टर्नर्स है, यानी कि उनका जो व्यू पॉइंट है स्कॉलरशिप, यहाँ पे वो पैसों वाले स्कॉलरशिप की बात नहीं करी, आपने एडमिशन जाके नहीं लेना वहां पे। स्कॉलरशिप मीन्स के वो किस पैमाने पे हम इस्लामिक वर्ल्ड को जांचते हैं, ठीक है, इन दैट रीजन वॉज बायस्ड और प्रोजेक्टेड, उन्होंने इसको बायस किया था और प्रोजेक्ट किया था एक फॉल्स स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप किसे कहते हैं? स्टीरियोटाइप यानी कि एक वन वे थॉट विजन ऑफ अदरनेस, कि दूसरा कैसा है, उंगली दूसरी कौमों की तरफ, दूसरी कौमें बुरी हैं, दे आर ब्लैक्स एंड वी आर वाइट्स ऑन इस्लामिक वर्ल्ड, स्पेशली अदरनेस ऑन इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है, दैट फैसिलिटेटेड एंड सपोर्टेड वेस्टर्न कॉलोनियल पॉलिसी, जो कि सपोर्ट किया था उसने वेस्टर्न कॉलोनियल पॉलिसी को। ऑल्दो ही नेवर टॉट एनी कोर्सेज ऑन मिडल ईस्ट, ऑल्दो उसने कभी भी मिडल ईस्ट के पे कोई कोर्सेज नहीं पढ़ाए। सैड रोड नंबरस बुक्स एंड आर्टिकल्स इन सपोर्ट ऑफ अरब कॉजेज एंड पैलेस्टीनियन राइट्स, उसने बहुत सी किताबें लिखी इन सपोर्ट ऑफ अरब कॉजेज एंड पैलेस्टीनियन राइट्स। ही वाज स्पेशली क्रिटिकल ऑफ यूएस एंड इसराइली पॉलिसी इन द रीजन। दुनिया में सबसे ज्यादा आपको पता है ब्लड शेड्स किसने फैलाया? हु आर द एक्सट्रीमिस्ट्स, हु वर द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो अपने आपको वेल डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं ना, इन्होंने, पढ़े लिखे इंसान ने दुनिया को तबाह किया है, पढ़ी लिखी नेशंस ने दुनिया को तबाह किया है। जाहिल इंसान किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन पढ़ा लिखा जाहिल इंसान जो है ना वो दुनिया में वो तबाही कर सकता है कि आपकी सोच है। इसलिए कहते हैं ना पढ़ा लिखा जाहिल ज्यादा खतरनाक होता है। और पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। देखिए जिसके पास पावर आती है वो तो दिखाता है, जो तरक्की करता है वो तो फिर आंखें दिखाता है, ठीक है। तो पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। वाज स्पेशली उसने क्रिटिकल किसके बारे में था? वो यूएस, अमेरिकन और इसराइली पॉलिसी के बारे में। एंड दिस लेड हिम इनटू नंबरस ऑफन बिटर पॉलेमिक्स विद द सपोर्टर ऑफ दोस टू कंट्रीज। और इस वजह से उसको बहुत ही, मतलब, क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी उसी कंट्री के अंदर रहते हुए। ही वाज इलेक्टेड टू द पैलेस्टाइन नेशनल काउंसिल, और वो इलेक्ट हुआ पैलेस्टाइन नेशनल काउंसिल द पैलेस्टीनियन लेजिस्लेचर इन एग्जाइल इन 1977। एंड दो ही सपोर्टेड अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ इसराइली पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, ही बिकेम हाईली क्रिटिकल ऑफ ऑस्लो पीस प्रोसेस बिटवीन द पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इसराइल इन 1990s। ऑस्लो आपको पता है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अभी तक देखें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है अक़वामे मुत्तहिदा की भी अगर मैं बात करूँ तो, ये क्या करती हैं? इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, बिल पास होता है नहीं होता, खाते हैं पीते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो वो इस वजह से भी क्रिटिकल था कि सिवाय इन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा क्यों जनरेट हुआ था, इस वजह से ना दुनिया में पीस कायम करेंगे, बट दे कैन नेवर एवर डू एनीथिंग। तो इस वजह से वो बहुत क्रिटिकल था इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि
یہ شو کرتی ہیں کہ ہاں وی آر دا پیس میکرز بٹ دے آر ناٹ. فیس بک اور آئرنی از دا سیم تھنگ. پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں بٹ وٹ دے کین ڈو اگین, جس کا پوا ہوتا ہے اسی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے. His books about the Middle East include The Question of Palestine Covering Islam. اس کی کتاب تھی اباؤٹ Middle East. Middle East کیا ہے, یہ ہم Middle East کے ہی تو لوگ ہیں. اور Question of Palestine Covering Islam, ٹھیک ہے, how the media and experts determine how we see the rest of the world. اب اس نے دیکھیں کتاب لکھی تھی Question of Palestine Covering Islam, ٹھیک ہے, جو کہ اسلام کو کور, اور کس طرح سے میڈیا اور یہ جو ایکسپرٹ ہے وہ ہمیں ڈیٹرمائن کر رہے ہیں کہ ہاؤ وی سی دا ریسٹ آف دا ورلڈ, کہ یہ لوگ کس طریقے سے ریسٹ آف دا ورلڈ کو دیکھتے ہیں. بلیمنگ دا وکٹمز, بلیم کرتے ہیں وکٹمز کو. سپریس اسکالرشپ اینڈ پیلسٹینین کوسچن 1988 کوایڈیٹڈ ود کرسٹوفر ہینچز. یہ ساری بیٹا اس کی بکس تھیں, دا پالیٹکس آف ڈسپوزیشن اینڈ دا پیس اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹ, Essays on Palestine in the Middle East Peace Process. Among his other notable books are The World, The Text, and The Critic. Nationalism, Colonialism, and Culture, Yeats and Decolonization. Musical Elaborations and Culture and Imperialism, 1993. His autobiography, Out of Place, reflects the ambivalence he felt over living in both Western and Eastern ٹریڈیشنس. اچھا ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کر دوں, اس نے کلچر اینڈ امپیریلزم میں جو ہے 9/11 کا واقعہ نہیں لکھا تھا, اس نے بعد میں اپنے کسی پمفلیٹ کے اندر لکھا تھا یہ 9/11 کے مین ٹارگیٹ اس وہ جو مسلمانوں کے ریسورسز ہیں نا ایکچولی وہ تھا. In addition to his political and academic pursuits, Said was an accomplished musician and pianist. Or isi political or academic pursuits mein Said jo hai wo ek musician bhi tha aur ek pianist bhi tha, piano bhi bajata tha bhai, theek hai. To ye aapki hogi